नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रातों रात पेट की चर्बी को कैसे कम करें। जी हां दोस्तों, एक ऐसा नुस्खा जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरल तरीके से, आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर देसी नुस्खों को अपनाने की सलाह देते हैं दोस्तों, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयां जो होती हैं उनका साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है। हालांकि दोनों का यूज बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्विक रिएक्शन चाहिए, यानी कि कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम होती है जैसे कटा फटा हुआ है, सर फट जाए, हाथ कट जाए, तो उसमें तो सबसे बेटर है कि आप एलोपैथिक इलाज ही तुरंत लें। उसमें भी देसी नुस्खे हैं, लेकिन उसकी बजाय आप तुरंत अगर ब्लड को रोकना है तो ये लेते हैं दवाइयाँ, अच्छी बात है। लेकिन कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं जिनका हम अगर अपने देसी नुस्खों के द्वारा इलाज करें, यानी कि औषधियों के द्वारा इलाज करें, तो ज़्यादा बेहतर होता है दोस्तों और असरदार होता है। उन्हीं बीमारियों में से एक है मोटापा। मोटापा भी एक तरह की बीमारी ही है दोस्तों। चर्बी ज़्यादा हो जाती है तो हम कई बीमारियों के शिकार होने लग जाते हैं। इसके लिए आज जो हम आपके लिए औषधि लाए हैं दोस्तों, नोट कर लीजिए, धनिया पत्ता और आपको उसके साथ ज़रूरत पड़ेगी नींबू की। आप जानते हैं, हम लोग बहुत सभी जानते हैं ऑलमोस्ट कि नींबू जो है वो फैट को बर्न करता है। लेकिन कैसे लेना है, आप सुबह सुबह खाली पेट जब हों उस टाइम ज़्यादा फायदा करता है। कोई भी अगर आप औषधि लेते हैं तो सुबह सुबह ज़्यादातर खाली पेट लेते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। धनिया का जूस निकाल लीजिए, उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, आधा नींबू निचोड़ लीजिए बड़ा नींबू है तो, और इसके बाद उस जूस को पी लीजिए। क्यों ये करना है, केवल इतना ही करके। और फिर अगर आप सोचेंगे कि मैं बर्गर और पेस्ट्री वगैरह ऐसी चीज़ें फास्ट फूड खाऊं और मेरा वेट कम हो जाए, तो नहीं होगा। क्योंकि बर्गर खाने से जो भी फास्ट फूड आप खाते हैं उसमें जो फैट होता है वो बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। वहीं अगर आप दूध लेते हैं उसमें भी फैट होता है, लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होता है। और फास्ट फूड से खाया हुआ, यानी कि तैलीय चीज़ों से खाया हुआ, मसालेदार चीज़ों से जो फैट आता है वो हमारे लिए लॉस वाला होता है दोस्तों। तो हमारा वेट कम करने का तरीका ये होना चाहिए, आप धनिया लेते हैं, नींबू लेते हैं, ये क्या करेगा, आपकी पाचन शक्ति को तंदुरुस्त करेगा, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाएगा। इसके बाद आपको खुद ख्याल रखना होगा कि जब आप बॉडी में एनर्जी फील कर रहे हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, मेहनत कीजिए, उतनी कैलोरी को बर्न कीजिए जो ज़्यादा आप ले रहे हैं, तो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि वर्कआउट हम नहीं करें और कोई भी औषधि ले लें तो फिर फायदेमंद नहीं होगा दोस्तों। हाँ, ये औषधियाँ इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि हम सुस्त फील करते हैं, जब मोटे हो जाते हैं हमारा वेट बढ़ जाता है तो हम वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी थकान होने लगती है और हमारी बॉडी सही से वर्क नहीं कर पाती है, हम बहुत जल्द लेजी फील करते हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए आप धनिया और नींबू का रस लीजिए और उसको पी लीजिए पानी में घोल करके। फिर आपको इम्यूनिटी संबंधी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इसके बाद आप जा कर के मेहनत कीजिए, वर्कआउट कीजिए, अपना पसीना बहाइए, जिम में या फिर पार्क में जा कर के दौड़ना या फिर पैदल चलना, आप नहीं दौड़ सकते तो पैदल चलिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा दोस्तों। हाँ, इसका कुछ एक लोग इस्तेमाल ना करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों, जैसे प्रेग्नेंट महिला, वो ना लें इसको। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो नींबू का और ये धनिया का जूस ना लें, और जिनको पथरी का रोग हो, यानी कि स्टोन हो जिन्हें, वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। 10 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कीजिए खाली पेट, आपको खुद ब खुद उसके साथ एक्सरसाइजेज करते रहिए, खुद ब खुद आपको नज़र आने लगेगा कि हाँ, आप में बदलाव आ रहे हैं दोस्तों। एक बात हमें ठान लेनी होगी कि अगर हम कोई भी ऐसा सल्यूशन ढूँढें कि खाना पड़ा हुआ है हम उठा करके मुँह में नहीं डालेंगे तो भूख नहीं मिटेगी। भूख मिटाने के लिए मुँह में अनाज डालना पड़ेगा, आपको चबा करके खाना पड़ेगा, तभी आपका पेट भरेगा। दूसरा तरीका है बस सिरिंज लेकर के डाल दो अंदर, लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक वैसे ही अगर आप अंग्रेजी दवाओं से या किसी चीज़ से आप अपनी बॉडी से फैट को कम भी करा लेते हैं तो आपको वो फील नहीं आएगा, आप में वो फिटनेस नहीं होगी, आप में वो चुस्ती फुर्ती नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से
जैसे धनिया का और नींबू का पानी पीते हैं आप सुबह सुबह, इसके बाद आप मेहनत करके एक्सरसाइज करके अपने वेट को कंट्रोल करते हैं, तो आपकी बॉडी में एक अलग ही फुर्ती होगी, आप में ताकत होगी, जोश होगा, आप हर काम को बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाएंगे दोस्तों। तो आज का हमारा ये व्यू था दोस्तों आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।